नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चिमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो के अंदर। आज मैं जिन किसान भाई के पास मैं पहुंचा हूं, ये काफ़ी समृद्ध परिवार से आते हैं। आज इनके फार्म पर मैं पहुंचा हूं। लगभग 250 बीघे के आसपास का इनका जो है फार्म है, जो कि गुलावटी के अंदर है। ज़िले की बात करूँगा तो ज़िला बुलंदशहर पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू इनके जो है फील्ड का दूंगा कि आप लोग देखेंगे कौन कौन से इम्प्लीमेंट हैं, फिर आपका जो है किसान भाई के साथ में मैं परिचय भी कराऊँगा। साथ में किसान भाई जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका एक बार मैं परिचय इनके साथ में करा देता हूं। तो सामने से जो दर्शक भाई हमारे आपको देख रहे हैं, एक बार आप उन्हें अपना परिचय कराइए। सर नमस्कार जी, और कृषि मीडिया का फिर दोबारा हमारे फार्म हाउस पर आपका स्वागत अभिनंदन। जी 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 जी। तो सर, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं, पिछली वीडियो में हमने आपके सोनालिका के टाइगर का जो रिव्यू था या जो परफॉर्मेंस था, वो किसान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की थी। इस बार हम एक ओवरऑल आपका जो है इम्प्लीमेंट है, जो आपके ट्रैक्टर आप यूज़ करते हैं, उनको सारा ही किसान भाइयों को दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट आप यूज़ करते हैं। जैसे कि बहुत सारे भाइयों की कमेंट भी आई कि सर इनके और जो ट्रैक्टर हैं वो भी हमें दिखाइए, कौन कौन से ट्रैक्टर ये चलाते हैं। तो आप एक बार जो है अपने सारे ही इम्प्लीमेंट को किसान भाइयों को थोड़ा बताते चलें और दिखाते चलें कौन कौन से इम्प्लीमेंट हैं अपने पास में। जैसे कि इसकी मैं बात करूं तो इसके बारे में भी थोड़ा सा, जो किसान भाई नए हैं उनको भी आप थोड़ा सा बताइए, ये कब खरीदा आपने, लगभग कितना समय इसको? ये करीब करीब शायद 20 दिन हो जा रहे हैं। 20 दिन हो जा रहे हैं। इसकी कीमत का अंदाजा लूं तो लगभग किस कीमत के अंदर आपने इसको खरीदा? ये था 975 का। 975,000 का जी। तो सर इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए, ये महिंद्रा का अर्जुन है 605, ये लगभग आपने कब खरीदा, इसको कितना समय हो गया? ये 2011 मॉडल है। 2011 और मेरे पास महिंद्रा की डीलरशिप थी जी, तो उस समय हमने खुद लिया था ये। उस समय आपने पर्सनल यूज के लिए लिया था? पर्सनल के लिए लिया था जी 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 जी। और नाम इसका अर्जुन है जी, महाभारत में अर्जुन था, ट्रैक्टर में अर्जुन ही है। जी जी जी। इसकी अगर मैं बात करूँ लगभग समय की, तो लगभग आपके पास में इस ट्रैक्टर को समय कितना हो गया होगा अब तक? मतलब 10-11 साल ही हो गए, 2011 का। 10-11 साल हो गए। आज तक ट्रैक्टर के साथ में कभी कोई दिक्कत वाली ऐसी बात आई हो, जैसे कि आप खेत के अंदर ट्रैक्टर चला रहे हैं और कोई बड़ा फॉल्ट ट्रैक्टर के अंदर आ गया हो? नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया, ऐसा कोई फॉल्ट नहीं हुआ। इसकी अगर लगभग आपको अंदाजा हो तो लगभग क्या डीजल खपत ये कर लेता होगा घंटे के अंदर? बस 5.5 लीटर। 5.5 लीटर। इम्प्लीमेंट की मैं बात करूँ तो इसके पीछे आपने अब तक कौन कौन से इम्प्लीमेंट चलाए हैं? 16 डिस्क की हैरो है जी, 11 का टिलर है जी 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 जी, और ये इधर डिस्क प्लाव भी चलाते हैं जी जी जी। तो सर जैसे कि मैं डिस्क प्लाव की बात करूँ तो ये लगभग आपने कब खरीदा था इसको? इसको 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। इसका आपको कुछ बेनिफिट लगा? जैसे कि बहुत सारे किसान भाई तो इसका बेनिफिट भी बताते हैं, और बहुत सारे किसान भाई जो नहीं जानते हैं तो उनको भी थोड़ा सा आप बताना चाहें इसका बेनिफिट क्या मिलता है। बेनिफिट क्या है, आजकल रोटर चल रहा है जी, तो रोटर से जमीन क्या है, बहुत से लोग तो जोत के उससे एक बार ऐसे बो देते हैं जी जी, जबकि जमीन तो जुताई करती है हैरो और टिलर जी। रोटावेटर की अगर हम बात करें तो वो तो एक कटाई के काम में आता है, वो कटाई करके वो जमीन दबी रहती है जी जी जी। तो जब हम गेहूं बोते हैं, कोई फसल बोते हैं सर्दी की, तो उसमें पानी जमीन का सूखता नहीं है जी जी, उसके लिए इसका पलटा लगना जरूरी है जमीन में जी, मूंगी कटने के बाद जी इसका पलटा जरूर खेत में लगना चाहिए। लगना चाहिए, तो पानी का सब स्रोत जमीन में जाता है। जमीन में जाता है, एक तरीके से जो फसल के अवशेष हैं वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और जो नई मिट्टी है वो ऊपर की तरफ वो ऊपर आ जाती है, तो जो पुरानी जो खाद भी मिले हैं सब कीटनाशक दवाई जी सब उल्ट पुलट हो जाती है इसमें जी जी। और कुछ मैं इम्प्लीमेंट की बात करूँ तो ये आपका जैसे कि मैं देख रहा हूँ ट्रैक्टर, ये कौन सा ट्रैक्टर है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बताइए। एयर फ्लो बोलते हैं इसे जी, 3500 हॉर्स पावर में जी जी जी। इसके मॉडल की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा मॉडल है अपना ट्रैक्टर? ये तो पुराना मॉडल है, हमारा एक मिलियन ले रखा है, उसने खड़ा कर रखा है। अच्छा 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 अच्छा। इसकी सर मैं बात करूं तो ये आपका,
ये कौन सा मॉडल होगा? ये 2007 मॉडल है। 2007 हमारे पास है वो, लेकिन मॉडल और पुराना है ये। जी, तो जब आपने इसको खरीदा था तो आपने उस समय चला हुआ खरीदा था इसे? ये स्टॉक में खड़े हुए थे ट्रैक्टर। अच्छा, तो जब हमारी ओपनिंग हुई थी जी, तो उसमें 4-5 ट्रैक्टर आए थे, कुछ हम बेच दिए, एक हमने अपने लिए रख लिया कि छोटे काम के लिए बड़ा ट्रैक्टर ना भाग दौड़ करे, उस पर्पस से बहुत बेस्ट है। इसकी मैं अगर आपसे अंदाजा लूँ तो आपको अगर कुछ अंदाजा हो इसका हॉर्स पावर का, तो कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होगा? 2500 हॉर्स पावर का है। इसको अगर समय की बात मैं करूँ मोटा मोटी, तो लगभग आपके पास में कितने साल हो गए होंगे इसे? इसे तो 2007 से आज तक यही चल रहा है, क्या है 21 हो गया। हाँ। जी, तो जैसे कि काफ़ी लंबा समय इसके साथ में हो गया, इसकी मैं बात करूँ तो इसको आप किस किस काम में यूज़ कर लेते हैं? ट्रॉली में, बोगी में जी, और भैंसों को चारे में लाने ले जाने में, बाजार लाने ले जाने में जी। धान की गेहूं के गले डलवा देता है, खेत में आना जाना, हल्का काम जी। और हमारे पास जनरेटर था बिजली वाला, वो कॉन्टेंटर उसके लिए जी। और ये हवा के पंखे इसके लिए बहुत बेस्ट है जी। नहीं, ये नहीं होता, बड़ा ट्रैक्टर चलता। इसकी अगर डीजल की खपत की बात करें तो लगभग कितना खा लेता? एक लीटर जी। यानी कि जो हल्के फुल्के काम है उनके लिए आप इसको यूज़ कर लेते हैं जी। तो सर इसके अलावा अगर इम्प्लीमेंट की बात करूँ तो और भी आप थोड़ा सा किसान भाइयों को बताएं और दिखाएं कौन कौन से इम्प्लीमेंट है अपने पास। ये सीडोल मशीन है और ये करीब करीब 85 से 90 के दशक में चली थी। 85 से 90 के दशक। हाँ, उस समय इसे हम मारुति गाड़ी बोलते थे। जी। हाँ, ये सच्चाई है। और आज भी इसके मुकाबले कोई सी सीडोल मशीन है नहीं। है नहीं, ये तलवंडी पंजाब से मंगाई थी। जी। 3-4 मशीन तो दो हमारे पास हैं, दो दूसरे भाई के पास हैं। जी। तो कोई मेंटेन नहीं इसी को, टूट फूट नहीं जी। बस साफ करो इसे, ऐसे चलाओ, तेल डालो इसमें, बहुत तो बढ़िया। सर क्या आज भी आप इस मशीन को यूज कर लेते हैं? बिल्कुल यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इससे बुआई होगी आज भी। जी। इसकी अगर मैं बात करूं, जैसे कि बीज वगैरह डालते हैं खेत के अंदर, तो इसके अंदर एडजस्टमेंट का भी हिसाब है? हाँ जी, बीज है, सब कुछ बीज है। जी। रहने दो। पीछे है लीवर इसका, पीछे है लीवर इसका। जी। ये इसका खाद का है। तो आज भी एज इट इज काम बढ़िया? बिल्कुल। जी। कोई खर्चा नहीं, इसे साफ करेंगे, धुलाई करेंगे, तेल लगाएंगे इसमें जी। और अपनी बुआई चालू, ना को सेटिंग करने के बाद एक बार सेट कर दी और वहीं पर सब बुआई करती है। जी। इसकी अगर लगभग समय की बात करूं तो लगभग इसको कितना समय हो गया होगा अपने पास में? इसको 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। आज तक कलर भी नहीं उतरा इसका? नहीं जी, सब कुछ ऐसे ही है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो है सीड ड्रिल मशीन है इनकी, ये आप लोग देखें बिल्कुल जेन्युइन है। आज भी आप लोग देखें इसकी जो क्वालिटी है, जो पाइप हैं, जो फालियां हैं, वो आज भी एज इट इज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये भाइयों ये देख लो आप, ये इनका जो है पर्सनल अपने यूज़ के लिए इन्होंने स्विमिंग पूल भी बनवा रखा है। ये इधर आप लोग देख रहे होंगे, ये बाग वगैरह हैं इनके, जिनकी इन्होंने जो है कटाई फिलहाल में चल रही है। तो अपने सर फार्म की अगर मैं बात करूं तो लगभग बीघे के हिसाब से कितने बीघे का फार्म होगा अपना ये? 160 बीघे का। तो आपके जो बुजुर्ग थे क्या वो भी पहले से खेती करते थे, आपने ही शिफ्ट की? नहीं, दादा से लेकर पापा नगर ही हम कर रहे हैं। जी। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ कंटिन्यू है। मेन काम खेती का। जी। अच्छा, जैसे कि आज के टाइम में इम्प्लीमेंट भी आपने बहुत सारे यूज़ करे होंगे, अलग अलग कंपनियों के यूज़ करे होंगे, अगर कोई किसान भाई अपने काम के लिए इम्प्लीमेंट लेना चाहे तो वो आपके हिसाब से किस कंपनी की तरफ जा सकता है आपके अनुभव से? देखो, जो पंजाब का इम्प्लीमेंट है उससे सब नीचे हैं जी, चल सब करें, बिक सब करें, काम सब कर रहे हैं जी, लेकिन वो पंजाब से सब नीचे हैं। जो उनकी क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं बेस्ट है। हाँ जी, आप यहाँ बुलाएं सर, चला बेस में जो 10 में है जी, वो अच्छा इम्प्लीमेंट है उसका भी, अच्छा अच्छे। हाँ, रीपर है, स्टार रीपर है जी, और रूटर हैं, काफ़ी आइटम उसके भी, वो अच्छे हैं, बढ़िया इम्प्लीमेंट। बाकी लोकल में बहुत बन रहे, वो इतने कामयाब नहीं है। जी।
तो दोस्तों, जैसे कि हमारे साथ में किसान भाई जुड़े हुए थे, आपके साथ में एक बार फिर से परिचय करा दिया, जो किसान भाई नहीं जानते थे उनको अब पता चल गया होगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने आपको किसान भाई से मुलाकात आपकी कराई, इनके इम्प्लीमेंट भी आपको दिखाया कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट ये चलाते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, पहले जो हमारे लिए और आपके लिए अपना कीमती समय दिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो दोस्तों जो आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको लगातार देखने को मिलती रहें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।